इंदौर में दुकान से घर लौट रहे एक व्यापारी को तीन बदमाशों ने योजना बनाकर नाटकीय अंदाज में थाने से चंद कदम की दूरी पर लूट लिया। बदमाश बाइक पर आए थे और व्यापारी का स्कूटर ले गए। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के वर्धमान नगर में रहने वाले लोहा मंडी के पूर्व अध्यक्ष पारसमल जैन दुकान बंद कर एक बैग में 23,500 रुपए नगद, अलग अलग बैंकों की 10 चेकबुक्स और अन्य दस्तावेज लेकर एक्टिवा से घर जा रहे थे। वह छत्रीपुरा थाने के सामने ही पहुंचे थे, तभी सामने से एक शराबी सा दिखने वाला व्यक्ति सड़क पर लहराता झूमता एक्टिवा के सामने आ गया। तभी एक बाइक पर सवार होकर आए दो अन्य बदमाशों ने व्यापारी को धमकाते हुए उसकी गाड़ी लूट ली और शराबी का नाटक कर रहा बदमाश भी उनके साथ हो लिया और तीनों बदमाश व्यापारी की गाड़ी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सक्रिय हुई पुलिस को एक्टिवा मिल गई, लेकिन उसमें से 23,500 रुपए और 10 चेक बुक्स गायब मिली। हाथीपाला में पारसमल जैन के व्यापारी हैं, लोहे की दुकान है और वो कल दुकान बंद करके 7:30-8 बजे करीब घर जा रहे थे। ये कब्रिस्तान बालडा कॉलोनी के साइड से कब्रिस्तान की गली है, वहाँ वर्धमान नगर में रहते हैं, वहाँ से घर जा रहे थे। तो उसी बीच उनकी जो गाड़ी है को दो लड़कों ने साइड से लहराते हुए उनको टकराए और एक ने सामने से गाड़ी अड़ा के और उनको रोका तो वो गिर गए। गिरे तो उनकी गाड़ी लेके और वो वहाँ से लड़के भाग गए। बाद में वो पीछे भागे तो कुछ लोगों ने जाते हुए भी देखा और बाद में गाड़ी तो उनकी मिल गई। जब गाड़ी सर्च की तो उसमें पता चला कि 23,500 रुपए रखे थे जो ले गए हैं, बाकी गाड़ी के पेपर्स वगैरह और जो बाकी सामान था वो एटीजी मिल गया। गाड़ी ख्याली राम का जो गेट का बगीचा है वहां से मिली थी। अभी तो कुछ ऐसा बताया नहीं जा सकता है, लेकिन घटना हुई है, तस्दीक की जा रही है कौन है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर हुलिये के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।